नमस्कार भाई, मैं लिट्टी चोखा का मैं ऑर्डर लेकर खाना वाना बनाता हूँ। आज पत्रकार दिवस है, आज यहाँ पर आया हूँ। लिट्टी चोखा का आयोजन है, यहाँ पर बना रहा हूँ लिट्टी चोखा। अगर आप लोग को भी ज़रूरत पड़े तो हमको संपर्क करें, मोबाइल नंबर है हमारा। दोस्तों आइए, आज हम आपको बताते हैं कि लिट्टी और चोखा कैसे बनाया जाता है, जो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा मशहूर डिश है लिट्टी। तो हमारे साथ में इसके कारीगर हैं विजय जी। तो विजय जी से जानते हैं कि कैसे ये बनाते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। अगर आप घर में अपने खाना चाहें, लिट्टी का आनंद लेना चाहें, तो किस तरीके से बनेगा एक बेहतरीन तरीके से। जी विजय जी बताइए, अगर किसी को अपने घर में लिट्टी चोखा बनाना हो, खाना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्या क्या है बताइए। एक चने का सत्तू है। हाँ, इसमें अदरक लहसुन मिर्चा खान का डालते हैं। हाँ, घर में अजवाइन मंगरेल पड़ता है, थोड़ा खटाई भी इससे पड़ता है। अच्छा, और ये जो आटा है इसमें डाल के बनाते हैं हम लोग। अच्छा, ये सिर्फ आटा है? हाँ, सिर्फ अच्छा। आटा है, ये चने का सत्तू है। अच्छा, तो ये आपकी जो है लिट्टी और बाटी जो है बन गई। इस तरीके से आप पूरा बना लेंगे। अच्छा, ये भर के सिकड़ी पर सेकना पड़ेगा, जैसे कि आप ये अभी बना रहे हो, भर रहे हो। ये कब तक ले सेका जाएगा? इस तरीके से आप सिकड़ी के ऊपर सेक रहे हैं, नीचे कोयले की आग है। 10-15 मिनट में सिक जाता है ये। विजय जी बताइए, कितने सालों से ये काम आप कर रहे हैं? 12 साल हो गए। तो ये आप समारोह में किसी का अगर प्रोग्राम है उसमें जाके करते हैं? तो किस हिसाब से क्या चार्ज वगैरह लेते हैं आप? वही 2-3 हज़ार लेते हैं, जैसे बनाने में 300-400 आदमी का बनाना जाता है तो 3 हज़ार रुपये। 300-400 आदमी का अगर आपको लिट्टी और चोखा के साथ में, कि सिर्फ लिट्टी, लिट्टी और चोखा साथ में रहता है, 300 आदमी का 3 हज़ार रुपया लेते हैं आप। तो आप मतलब यही सिर्फ बनाते हैं या और क्या क्या बनाते हैं? दाल चावल, लिट्टी चोखा और पूड़ी और भाजी भी बनाते हैं, छोला वगैरह सब। अच्छा, तो ये शादी और प्रोग्राम दोनों के लिए होता है। हाँ। आपका कुछ कांटेक्ट नंबर है? हाँ। बताइए जो आपसे अगर 84 82 52 88 88 57 39 39। तो दोस्तों, अगर आप बंबई में लिट्टी और चोखे का आनंद लेना चाहते हैं और विजय जी इसके बहुत अच्छे रसोइये हैं, पकाने वाले हैं, बनाने वाले हैं, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको बढ़िया लिट्टी और चोखा आपके समारोह में परोसी जाएगी। और उसके साथ में कुछ शाकाहारी भोजन भी बनाते हैं।